कोतवाली सदर पुलिस ने घटना का सफल अनावरण करते हुए दो अभियुक्तों को बहजम रोड से एजेंसी के पास से किया गिरफ्तार। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन व बिना नंबर की बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गई। अवैध तमंचा कारतूस बरामदगी के संबंध में कोतवाली सदर पर आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया, जिसका खुलासा SP खीरी गणेश प्रसाद सहा ने प्रेस वार्ता में किया। पुलिस अधीक्षक खीरी द्वारा घटना के सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को 20,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। रिंकू मिश्रा के साथ 8:30 बजे एक फायरिंग की घटना हुई थी और इस घटना में जो शुरुआती तथ्य आए थे और रिंकू मिश्रा ने 4 के दौरान भी ये बात बताई कि 2 या 3 लोग के साथ वो बैठे हुए थे, जिसमें से एक मैन मिश्रा था, 2 और लोग थे जिन्होंने इन्हें गोली मार दी। घटना के तत्काल बाद ही पुलिस की टीम मौके पहुंची, घायल को अस्पताल लेके गया और वहां पर भी उनसे वीडियोग्राफी बयान लेकर उपचार कराया गया, बाद उनको लखनऊ रेफर किया गया था। जो घायल उनको गोली लगी थी, बाद में जो अभी आप आरोपी देख रहे हैं जिन्हें, उन्होंने घटना की पूरी साजिश रचना की थी और ये साजिश जेल में रची गई थी। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें जिसे गोली लगी थी वो एक मुंजिम भी है और जेल में भी था, और मैन मिसेज का नाम आ रहा था, वो मुद्दे के जो बहुत बड़े गवाह थे, प्रमुख गवाह थे। शुरुआत में ये योजना बनाई गई थी कि गोली साइड में मार दी जाए और इसका पूरा का पूरा आरोप मैन मिश्रा उसकी टीम को दिया जाए, ताकि जो मुकदमे हैं वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ जाए और गवाह है वो जेल चल जाए। दुर्भाग्य की बात यह रही कि गोली साइड में लगने के बजाय मिस हैंडल होते हुए पीठ में लग गई और रिंकू मिश्रा की जान जाते रहते बची। वो तो कोतवाली पुलिस की तत्परता और यहाँ के जो चिकित्सा विभाग के, मैं कार्य कुशलता की बात करूंगा, तत्काल ही जो प्राथमिक उपचार पर उनको रेफर किया गया, जहाँ उनकी अभी स्थिति सही बताई जा रही है। और बाद में हम लोगों ने जो टीम लगाई थी, टीम ने लगातार इसमें CDR लोकेशन पूछताछ के बाद जो जानकारी इकट्ठी की गई, तो ये साजिश का पर्दाफाश हुआ है कि ये स्वयं को बचाने के लिए, स्वयं को जो इस मामले में दोषी थे उसमें सजा ना हो, इससे ये बचने के लिए उन्होंने ये साजिश रची थी, जिसका पर्दाफाश आज किया गया है। जो भी आरोपी दोनों है, राजकुमार चौधरी इकबाल, उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ ये देखने वाली बात है कि जो वादी है, जो मजरूब है, वो ही पूरी घटना के शिकायतकर्ता भी थे और वही घटना के आरोपी भी शामिल हो रहे हैं। तो घटना को पूरी तरह खोलने के लिए और इसके सफल अनावरण के लिए, क्योंकि इसमें निश्चित तौर पे प्रेशर भी क्रिएट किया जा रहा था कि जब तक जहाँ नाम से पुलिस में नेम लिया गया है तो उनको क्यों नहीं जेल भेजा जा रहा था। इसके बाद में पूरी संयम के साथ और पूरी तत्परता के साथ ये घटना खोला गया। पूरी कोतवाली वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन के कलेक्शन, जहाँ आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियाँ एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वियर साड़ियाँ एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियाँ, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियाँ अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम, जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।